सत श्री अकाल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अजूनी सैंभव गुरप्रसाद एक ओंकार। लॉ ऑफ यूनिवर्स एक जिहड़ा कौसमिक ला है जिन्हों बाबा नानक एक ओंकार कहिंदे ने वह एक है तो वह अपने आप बने वो ही सब कुछ करन वाला है उहदे नाल ही पूरी सृष्टि चल रही है। सतनाम सतनाम वो सच है। सच की चीज़ होंदी है? सच वो होंदी है जिहड़ी कदे ना बदले। जिहड़ा एक कौसमिक ला है लॉ ऑफ यूनिवर्स है वह अरबा साल पहला भी उही सी जिहड़ा अज है। जिहड़ा अज है वह अरबा साल बाद भी रहेगा। करता पुरख इस लाह के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। इस लाह के मुताबिक दिन होंदा है, दिन छिप जाता है, रात होंदी है, बारिश होंदी है, हवा चलती है, सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, ग्रह अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी करती है, बारिश होंदी है, सब कुछ उस लाह के मुताबिक होंदा है। उस लाह के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। इंसान पैदा होंदा है, खुराक खा के वड्डा होंदा है, फिर वो सैल जिहड़े वण दी रफ्तार है वह कट जाती है तो बुढ़ापे वल नूं जांदा है तो मर जाता है। करता पुरख वो ला दे मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। निरपौ भय रहित है, डर रहित है, फियरलैस है, वो ना किसी तो डरदा ते ना डरांदा। जिहड़ा किसी तो डरदा नहीं है वो किसी नूं डरांदा भी नहीं। जिहड़ा किसी नूं डरांदा नहीं वो किसी तो डरदा भी नहीं। जिहड़ा किसी नूं डरांदा है वो किसी ना किसी तो डरदा है। जिहड़ा किसी तो डरदा वो किसी नूं डरांदा है। निरवैर उहनूं किसी नाल बैर नहीं है। वो इंसान की तरह जन्म नहीं लेंदा। गुरप्रसाद उन्हूं जाने किवें जा सकता है? उन्हूं जानन दा एक तरीका है, वो तरीका है जदों तुहानूं अंधेरे तो रोशनी वल जाण दी जांच आ जाए, जदों तुहानूं फिलोसफी समझ आ जाए, जिहड़ी रोशनी अंधेरे तो रोशनी वल जांदी है, जिहड़ी तुहानूं रोशनी दा अहसास करांदी है, रोशन ख्याली जी जांच आ जाए, तुहानूं रोशन ख्याल वल तुहाडी चेतना चली जाए, जहन चले जाए, उदों तुहानूं ए लॉ ऑफ यूनिवर्स दी समझ आती है। अगे बाबा जी कहिंदे ने सोचे सोच न होवी जे सोचे लख वार, भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पूरिया पार, सह सियाणपा लख होवै ते इक न चलै नाल, किब सचियारा होइऐ कुड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सोचे सोच दा मतलब है नहाना, शरीर नूं साफ करना। इहदा एक मतलब ये भी है कि जिन्ना मर्जी इंसान लखां वारी नहाए, अपनी बॉडी नूं साफ करे, लेकिन वह जिहड़ी जहन दे अंदर जिहड़ी जंग लगी हुई है, जिहड़ा विचारां दा ठहराव है, वह सही नहीं हुंदा। जहन च सफाई नहीं आती, निर्मलता नहीं आती, जहन सोचने के काबिल नहीं होता। बाहरों आप नहाई जाइए चे लखां बार नहाइए, जहन सच्चाई नूं जानन वास्ते सोचने के काबिल नहीं बनता। एक दूजा मतलब यह भी है इहदा वी चे आप लखां बार कोई चीज़ सोचती रहिए जदों तक नहीं करांगे वो नहीं होंदी। सोचे सोच न होबी जे सोचे लख वार, भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पूरिया पार। इहदा एक इशारा स्कूल ऑफ थोट वल भी है, उस स्कूल ऑफ थोट वल भी है जिहड़ा ये कहिंदा है भी जदों तुसी किसी चीज़ नूं यूज़ करोगे, उनूं भरपूर यूज़ करोगे, उहदे तों तुहाडा मन उचट जाएगा। जिवें ओशो रजनीश कहिंदा संभोग तों समाधि दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, ते बाबा नानक उहनूं रिजैक्ट करदे ने।
वह कहते ने अगर तुहाडी अज 100 रुपए की भुख है पूरी होगी तुहाडी भुख वधेगी। बाबा नानक ओशो की जिहड़ी फिलोसफी है उन्हूं 500 साल पहला रिजेक्ट करते ने। एक इहदा इह मतलब ही है भी अगर तुहाडे कोले काफ़ी खुराक हैगी है पूरियां दा जिन्नी पूरियां ने उहदा भी तुहाडे कोले ओ हैगा है पूरियां भरनियां हुई ने जदों तक तुसीं उहनूं खांदे ने तुहाडी भुख नहीं मिटदी। यानी तुहाडे कोले ज्ञान है वो ज्ञान नूं तुसीं जदों तक प्रैक्टिकल नहीं करते वो तुहाडे किसे कम का नहीं है। भुख्या भुख न त्री जे बन्ना पूरी।